हे गाइस व्हाट्स अप। सो दुर्गा पूजा या दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक इमोशन है और वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा तो इमोशन से भी बढ़कर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस दुर्गा पूजा और दिवाली में गुड लुकिंग भी दिखो और फेस्टिवल को एंजॉय भी करो। इसलिए आज मैं आपको 10 फेस्टिवल्स आउटफिट टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप इस दुर्गा पूजा और दिवाली में अपना 100% दिख सकते हो। उससे पहले अगर आप लव डाक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का मोटिव है कि मेरा जितने भी डाक सीनियर सामने लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो इन 10 आउटफिट्स पे मैं आपको सबसे पहले कैजुअल आउटफिट्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको फॉर्मल आउटफिट्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको इंडियन ट्रेडिशनल एथनिक आउटफिट्स के बारे में बताऊंगा। और इन 10 आउटफिट्स में जो आपको पहनना ज्यादा पसंद है, जिसे पहन के आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप वही कपड़े पहनो। सो पहला आउटफिट है एक राउंड नेक फुल स्लीव टी शर्ट, उसके साथ एक जींस, उसके साथ व्हाइट स्नीकर और वॉच पहनना मत भूलना। ये आउटफिट सुनने में काफी सिंपल लग रहा है बट जब आप इसे पहनोगे तो ये बहुत ही सेक्सी लगता है दिखने में। बट एक चीज का ध्यान रखना, राउंड नेक टी शर्ट फुल स्लीव वाला लेना और सॉलिड एक कलर वाला लेना। और अगर आप ग्राफिक्स या लिखावट प्रिंटेड वाले टी शर्ट पहनोगे तो आप चाइल्डिश दिखोगे, आप एक मैच्योर और क्लासी बंदे नहीं दिखोगे। इसीलिए फुल स्लीव एंड सॉलिड टी शर्ट पहनना। और अगर मैं इस आउटफिट को अगर आपको डिटेल में बताऊं तो अगर आप ग्रे कलर का जींस पहनोगे तो उसके साथ ब्लैक कलर या नेवी ब्लू कलर का फुल स्लीव टी शर्ट पहनना, और अगर आप ब्लू जींस पहनोगे तो उसके साथ ब्लैक कलर या मरून कलर या ऑलिव ग्रीन कलर का फुल स्लीव टी शर्ट पहनना। और अगर आप ब्लैक कलर का जींस पहनोगे जो कि बहुत वर्सेटाइल होता है तो उसके साथ आप ब्लैक कलर, नेवी ब्लू कलर, मरून कलर, ऑलिव ग्रीन कलर या बेज कलर, इनमें से कोई सा भी कलर का फुल स्लीव टी शर्ट पहन सकते हो। और शू में आप व्हाइट स्नीकर पहनना और वॉच पहनना मत भूलना। दूसरा आउटफिट है एक सॉलिड शर्ट, उसके साथ एक जींस और शू में व्हाइट स्नीकर या चेल्से बूट और साथ में एक वॉच। और शर्ट में आप ब्लैक कलर, नेवी ब्लू कलर, मरून कलर, ग्रे कलर, ऑलिव ग्रीन कलर, वॉयलेट कलर या बेज कलर, इनमें से कोई सभी कलर का शर्ट पहन सकते हो। बट शर्ट सॉलिड एक कलर वाला पहनना, कोई भी डिजाइन या लिखावट प्रिंटेड वाले शर्ट मत पहनना। और अगर आप ग्रे कलर का जींस पहनोगे तो उसके साथ ब्लैक कलर या नेवी ब्लू कलर का शर्ट पहनना, और ब्लू कलर के जींस के साथ आप ब्लैक कलर या नेवी ब्लू कलर या मरून कलर का शर्ट पहनना। और ब्लैक कलर के जींस के साथ जो भी कलर का शर्ट मैंने अभी आपको बताया उनमें से आप कोई सा भी कलर का शर्ट ब्लैक जींस के साथ पहन सकते हो। और शू में आप या तो व्हाइट स्नीकर पहनना या फिर ब्राउन चेल्से बूट पहनना। तीसरा आउटफिट है एक ब्लू डेनिम शर्ट, उसके साथ एक बेज कलर का चीनो और शू में व्हाइट स्नीकर और साथ में एक वॉच। ये एक क्लासी आउटफिट है और इस आउटफिट में आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे आप बेज कलर के चीनो की जगह आप ब्लैक कलर का जींस पहन सकते हो। बट अगर आप एक ब्लैक जींस पहनोगे तो उसके साथ व्हाइट स्नीकर मत पहनना, उसके साथ आप एक ब्राउन कलर का चेल्से बूट पहनना, क्योंकि एक ब्लू कलर का डेनिम शर्ट और बेज कलर के चीनो के साथ व्हाइट स्नीकर ज्यादा अच्छा लगता है और एक ब्लू डेनिम शर्ट और ब्लैक जींस के साथ चेल्से बूट ज्यादा अच्छा लगता है। चौथा आउटफिट है एक हाफ स्लीव टी शर्ट, उसके ऊपर कोई भी एक जैकेट, साथ में एक ब्लैक जींस और शू में व्हाइट स्नीकर और साथ में एक वॉच। और इस आउटफिट में आप हाफ स्लीव टी शर्ट या तो ब्लैक कलर का पहनना या फिर व्हाइट कलर का पहनना, और जैकेट में आप कोई सा भी जैकेट पहन सकते हो, बॉम्बर जैकेट, डेनिम जैकेट, लेदर जैकेट, कोई सा भी। बट अगर आप बॉम्बर जैकेट पहनोगे तो ब्लैक या ऑलिव ग्रीन कलर का पहनना, और अगर आप डेनिम जैकेट पहनोगे तो ब्लू या ब्लैक कलर का पहनना। बट अगर आप लेदर जैकेट पहनोगे तो सिर्फ ब्लैक कलर का ही पहनना, और आप इस आउटफिट में ब्लैक जींस की जगह बेज कलर का चीनो भी पहन सकते हो, और शू में आप व्हाइट स्नीकर की जगह ब्लैक चेल्से बूट भी पहन सकते हो, बट वॉच पहनना मत भूलना। फिफ्थ आउटफिट है एक चेक शर्ट, साथ में एक ब्लैक या ग्रे कलर का जींस और शू में ब्राउन चेल्से बूट और साथ में एक वॉच। और इस आउटफिट में आप ब्राउन चेल्से बूट की जगह ब्लैक चेल्से बूट या फिर व्हाइट स्नीकर भी पहन सकते हो, बट चेक शर्ट डार्कर कलर वाले लेना, तभी यह आउटफिट ज्यादा क्लासी दिखेगा। जैसे ब्लैक एंड ऑलिव ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन वाले चेक शर्ट एंड ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन वाले चेक शर्ट। और चेक शर्ट को आप एज अ जैकेट की तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने अंदर में एक ब्लैक या व्हाइट कलर का हाफ स्लीव टी शर्ट पहन लिया और उस टी शर्ट के ऊपर आप बटन खोलकर एक चेक शर्ट भी पहन सकते हो, इससे एक नया आउटफिट क्रिएट हो जाएगी। अभी जो 5 आउटफिट्स मैंने आपको बताया ये सारे थे कैजुअल आउटफिट्स, और इन सारे आउटफिट्स के साथ वॉच पहनना मत भूलना। और बाकी के आउटफिट्स भी जो मैं आपको अभी बताऊंगा उन सभी आउटफिट्स के साथ वॉच पहनना मत भूलना, क्योंकि सिर्फ सिंपल एक वॉच पहनने से हर आउटफिट का लुक काफी इनहेंस और अट्रैक्टिव हो जाता है। और वॉच में आप सिर्फ लेदर स्ट्रैप वॉच ही पहनना, या तो ब्राउन लेदर स्ट्रैप वॉच या फिर ब्लैक लेदर स्ट्रैप वॉच। अब जो मैं आपको आउटफिट्स बताऊंगा वो होगी फॉर्मल आउटफिट। इसलिए हमारा 6th आउटफिट है एक ब्लैक हाफ स्लीव पोलो टी शर्ट, उसके साथ एक ग्रे कलर का चीनो और शू में एक ब्राउन कलर का मॉन्ग स्ट्रैप फॉर्मल शू और कमर में एक ब्राउन कलर का बेल्ट और साथ में एक ब्राउन कलर का लेदर स्ट्रैप वॉच और पोलो टी शर्ट को इन करके पहनना। अब ये आउटफिट पूरी तरह से फॉर्मल आउटफिट तो नहीं है बट एक सेमी फॉर्मल आउटफिट है जो फेस्टिवल्स में पहनने के बाद दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है। और आप चाहो तो ब्लैक पोलो टी शर्ट की जगह नेवी ब्लू पोलो टी
टी-शर्ट भी पहन सकते हो। और ध्यान रखना, पोलो टी-शर्ट सॉलिड एक कलर वाले प्लेन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डिजाइन या लिखावट प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। सेवेंथ आउटफिट है एक ब्लैक या नेवी ब्लू कलर का प्लेन शर्ट, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का वेस्ट कोट और साथ में एक ग्रे कलर का चीनो, और शू में एक ब्राउन कलर का मॉन्ग स्ट्रैप फॉर्मल शू, और कमर में एक ब्राउन कलर का बेल्ट और साथ में एक ब्राउन कलर का लेदर स्ट्रैप वॉच, और शर्ट को इन करके पहनना। फेस्टिवल में ये फॉर्मल आउटफिट दिखने में काफी खूबसूरत लगती है। और आप चाहो तो शर्ट की जगह आप ब्लैक या नेवी ब्लू कलर का प्लेन फुल स्लीव राउंड नेक टी शर्ट भी पहन सकते हो, बट हाँ स्लीव्स को रोल्ड अप करना मत भूलना। एट्थ आउटफिट है एक प्लेन ब्लैक फॉर्मल शर्ट, उसके साथ ग्रे फॉर्मल पैंट, और शू में एक ब्राउन कलर का मॉन्ग स्ट्रैप फॉर्मल शू, और कमर में एक ब्राउन कलर का बेल्ट और साथ में ब्राउन कलर का लेदर स्ट्रैप वॉच, और शर्ट को हमेशा इन करके ही पहनना। और आप चाहो तो ब्लैक फॉर्मल शर्ट की जगह आप नेवी ब्लू कलर का फॉर्मल शर्ट भी पहन सकते हो। सो ये है एक प्रॉपर फॉर्मल आउटफिट, बट हाँ सॉलिड प्लेन एक कलर वाले फॉर्मल शर्ट ही पहनना। सो अभी तक जो भी आउटफिट्स मैंने आपको बताए वो थे कैजुअल एंड फॉर्मल आउटफिट्स, बट अब जो बाकी के दो आउटफिट्स मैं आपको बताऊंगा वो होगी प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशनल एथनिक आउटफिट्स। इसीलिए नाइन्थ आउटफिट है एक बंद गला, साथ में एक ब्लैक कलर का चीनो, और शू में एक ब्राउन कलर का ऑक्सफोर्ड फॉर्मल शू, और साथ में एक ब्राउन कलर का लेदर स्ट्रैप वॉच। और अगर आपको पता नहीं है कि बंद गला किसे कहते हैं तो ये पिक्चर देखो, इसे बंद गला कहते हैं। बंद गला एक इंडियन ट्रेडिशनल वेयर है जो सदियों से इंडिया के लोग इसे पहनते हुए आ रहे हैं, तो आप भी इस फेस्टिवल में एक बंद गला पहन सकते हो। बट बंद गला में सिर्फ चार ही कलर हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं, वो है नेवी ब्लू, मरून, पर्पल एंड ब्लैक। इन चारों में से कोई सा भी कलर का आप बंद गला पहन सकते हो। एंड फाइनली टेंथ आउटफिट है कुर्ता पजामा, और शू में एक ब्राउन कलर का कोल्हापुरी चप्पल और साथ में एक ब्राउन कलर का लेदर स्ट्रैप वॉच। बट हाँ कुर्ता या तो प्लेन एक कलर वाले या फिर वर्टिकल स्ट्राइप वाले कुर्ता ही लेना। और कुर्ते में जो कलर हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं वो है नेवी ब्लू, मरून, ग्रे, ऑलिव ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक कलर के कुर्ते। और हाँ अब व्हाइट कलर के पजामा की जगह अब ब्लैक कलर का जींस भी पहन सकते हो। तो ये थे वो 10 फेस्टिवल्स आउटफिट जिसे फॉलो करके आप इस दुर्गा पूजा और दिवाली में आप अपना 100% दिख सकते हो। और जो भी आउटफिट्स आज मैंने आपको बताया उन सारे आउटफिट्स की परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक कर इन्हें खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शॉ ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं उसे अपना ताकत बनाओ।